भारत का पसंदीदा बीच डेस्टिनेशन है गोवा। लोग गोवा के मिक्स कल्चर को जानने समझने के लिए एक बड़ी संख्या में आते हैं। इस मानसून सीजन में 24 जून को गोवा के कैथोलिक फेस्टिवल साओ जोआओ को मनाया गया। इस त्योहार को मनाने के पीछे एक मान्यता है। कहा जाता है कि जब जीसस अपनी माँ के गर्भ में थे तभी इस त्योहार की नींव पड़ी थी। मदर मैरी यीशु को जन्म देने के लिए सेंट एलिजाबेथ के आश्रम में पहुंची थी। इसके बाद वो बेहद खुश हुई थी, तभी से ये त्योहार मनाया जाता है। I am a Goan, actually we celebrate Sanjiao a lot and it is a good festival. Every year we celebrate it in a different way. This year also in a different mood after 2 years of gap. So hope to enjoy a lot. साओ जोआओ गोवा में कैथोलिक समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस फेस्टिवल में फलों फूलों और पत्तियों से बने मुकुट पहने हुए लोग मौज मस्ती करते हैं। We missed the Sanjiao for last 2 years and that is why we have made the theme of a traditional boat. You can just show it later on. Our theme of the boat is love, fear and death. फेस्टिवल को मनाने के लिए तालाबों और कुओं में कूदकर लोग तोहफे ढूंढते हैं, जिसे समूह के ही लोगों की ओर से पानी में डाला जाता है। यह एक दूसरे को जानने समझने का पर्व है। लोग फेस्टिवल मनाने के लिए पारंपरिक वेशभूषा को तरजीह देते हैं।